मेरे प्यारे हो, आस करता हाँ कि तुसी ठीक ठाक हो ते खुश ते आनंद हो। जीवन का मतलब ही है कि दुख ते मुसीबतां जरूर आउणगियां, पर इस सब दे विचकार अद्भुत ढंग नाल साडी अगवाई करन वाला साडा प्रभु साडे नाल है। इस करके हर दिन प्रभु येसु मसीह दे नाल चलना सीखना है ते अपने जीवन नू उस दे नाल चलन वाला जीवन बनाई रखना है। उह साडे नाल रह के सानू चलाउंदा है। वेखो, असीं हमेशा चाहुंदे हाँ कि साडे आले दुआले एक ऐसा माहौल बनिया रहे जिस विच हमेशा शांति होवे। भावें कोई बिजनेस करदे हो जां भावें कोई होर काम करदे हो, असीं जिथे भी रहिंदे हाँ इहो चाहुंदे हाँ कि हमेशा चारे पास्यों सानू जो है शांति होवे। जेकर उत्थे जिथे तुसीं काम करदे हो चारे पासे रौला पैंदा होवे, मच्छी मंडी बनी होवे तां तुहानू चंगा लगेगा। चारे पासे रौला पैंदा होवे तां काम करन दे विच बिल्कुल मन नहीं लगेगा, उत्थे रहना नहीं चाहोगे। कईआं घरां विच इस तरह हुंदा है कि बच्चे खेडदे कुद्दे होए बहुत ज़्यादा रौला पाउंदे हन ते मन बहुत परेशान हो जांदा है, उत्थे रहन नू जी नहीं करदा है। आम ही ऐसा वेखदे हाँ तुहाडे जीवन च वी कदे कदे जिथे असीं रहिंदे हाँ तुसीं भी ये जरूर चाहुंदे होवोगे कि एक शांति दा माहौल होवे। ते जदों इंज नहीं हुंदा तां मन ते एक बोझ आ जांदा है। जे तुहाडे मन ते भी बोझ है तां प्रभु कुछ कह रहा है। यसाया 32 अध्याय उसकी 18 आयत विच वेखांगे, मेरी परजा शांति दे भवना विच अमन दे वासां विच आराम ते चैन दे अस्थाना विच वसेगी। इस जगह ते प्रभु की कह रहा है कि मैं अपने लोकां लई चारे पास्यों उन्हां नूं शांति दा माहौल प्रदान करना चाहुंदा हाँ। तुहानू ही कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुसीं जिहड़े हालातां विच रह रहे हो उत्थे चारे पास्यों बहुत परेशानी है। तुहाडे घर विच बहुत परेशानी है, जिथे तुसीं रहिंदे हो उत्थे तुसीं बहुत तकलीफ विच हो, क्योंकि लोग बहुत रौला पाउंदे हन, शांति दा माहौल नहीं है, मंडी जापदी है। कई बार जदों असीं सेवा लई जांदे हाँ ते सानू किते ठहरना हुंदा है। कई बार लोग सानू पिंड तों बहुत दूर सेवा लई लैके जांदे हन, किसे एकांत इलाके च जिथे कोई नहीं गया हुंदा उत्थे सानू ले जाना चाहुंदे हन। मैं कई बार पुछदा हाँ कि इन्नी दूर क्यों जा रहे हाँ, तां उह कहिंदे हन उत्थे शांति है, जिथे तुहाडे लई कोई डिस्टर्बेंस नहीं होवेगी उत्थे जावांगे ते तुहाडे लई बहुत वधिया रहेगा। ते सचमुच जदों किसे ऐसी जगह जांदे हाँ, ऐसी एकांत जगह ते पहुँच के जिथे किसी भी तरह का शोर नहीं हुंदा ते उत्थे बैठ के परमेश्वर अगे प्रार्थना कर सकते हाँ ते उसकी आवाज़ नूं सुन सकते हाँ। हर इंसान अपने मन विच इस तरह का शांति का माहौल चाहुंदा है। कई बार कोई पुछदा है जिथे काम करते हो कि उत्थे शांति है, ते लोग कहिंदे हन बहुत परेशानी है, कोई शांति नहीं है। ते कहिंदे हन जो साडा उच्च अधिकारी है वह बहुत चीकदा है, बहुत ज़्यादा रौला पाउंदा है, ते मेरे अधीन काम करन वाले गल नहीं मनदे, इसलिए किते होर चले जाण लई मन करदा है। इसलिए मन करता है कि जिथे रहिंदे हाँ जिथे काम करते हाँ उत्थे शांति का माहौल होवे। तां अज दे दिन परमेश्वर तुहाडे नाल एक वादा कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तैनू एक ऐसी जगह देंगा जिथे तैनू चारे पास्यों शांति होवेगी। इस समय तुसी डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हो, इस समय तुहाडे जीवन विच लोड़ींदी शांति नहीं है, तां प्रभु तुहाडे नाल वादा करता है। हुण तुसी ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु जिवें तू वादा कीता है कि चारे पास्यों मैनू शांति देवेंगा, तां मेरे मन विच ते मेरे आले दुआले शांति दा माहौल होवे। प्रार्थना करके वेखो ते जरूर एक बदलाव नू वेखोगे। तुसी जिथे रहिंदे हो परिवार विच जां जिथे तुसी काम करदे हो बदलाव आवेगा, जिथे सेवा करदे हो उत्थे बदलाव आवेगा, क्योंकि प्रभु ने वादा कीता है। प्रभु ने वादा कीता है ना कि मैं तैनू शांति देंगा, सो चारे पास्यों शांति मिलेगी। इस वचन नू बोल के प्रार्थना करो ते जीवन विच जरूर एक बदलाव वेखोगे। हे प्रभु, तू अज ये वादा कीता है कि चारे पास्यों एक शांति दा माहौल देवेगा, मेरे लोकां विचकार शांति होवेगी। तू ये वादा कीता है जिथे काम करदे हाँ, जिथे रहिंदे हाँ, जिथे कारोबार करदे हाँ, अपने वादे अनुसार साडे जीवनां च उत्थे सानू शांति दे। इस दे लई तेरे सामने बेनती करदे हाँ, यीशु दे नाम विच प्रार्थना करदे हाँ पिता। आमीन आमीन।